काफी ओपिनियन पोल गलत भी हुए हैं। खैर मुद्दे की बात करते हैं, और मुद्दा क्या है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, लेकिन बजाय रोजगार बनाने के योगी सरकार ने बेरोजगारों को जो प्रदर्शन कर रहे थे लाठियों से पिटवाया, उनको धमकी दी कि अगर प्रदर्शन किया तो जेल में डाल दूंगा और प्रॉपर्टी जब्त कर लूंगा। उससे बड़ा मुद्दा महंगाई है, और महंगाई को खत्म करने के लिए ना योगी सरकार कुछ कर पाई, ना मोदी सरकार दिल्ली में रहकर कुछ कर पाई। जो कि ये कंपनी की सर्वे शुरू हुआ है 25 सालों से, और जिसमें ज्यादातर सर्वे बीजेपी के पक्ष में ही दिखाया जाता है, मगर 2004 के लोकसभा के चुनाव, दिल्ली के चुनाव और पश्चिम बंगाल के चुनाव में मोदी जी को बड़ा चढ़ा के दिखाया गया है, पर नतीजा आते आते बीजेपी के सुफरा साफ हो जाता है, इसलिए कभी कभी ज्यादा खुशी भी दुखी होने के संकेत लाता है, और उसी में ये गोदी मीडिया वाले बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, ताकि लोगों के सामने झूठ परस करके ये लोगों के मन में ये बैठा दे कि आएगा तो मोदी ही। और उसी बात को काउंटर देते हुए सुप्रिया सिनेत ने बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और अमन चोपड़ा की बात को सबके सामने ऐसा एक्सपोज किया कि खुशी होने वाले अंधवक्त और बीजेपी प्रवक्ता के बोलती बंद हो गई। सुप्रिया जी ने सिर्फ योगी की ही नहीं, मोदी जी की भी पोल खुलते हुए सबके सामने ये तक बोल दिया कि ये बीजेपी वाले विकास के नाम पे लोगों को आपस में लड़वाने के काम कर रहा है, और चुनाव जीतने के लिए जितनी भी एड चला रहा है उसमें से एक चौथाई भी काम जमीनी हकीकत पे नहीं किया गया है। मेरा सिर्फ एक सवाल है, सवाल एक ही है कि बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं, किसानों, इस प्रदेश ने तैरती हुई लाशें देखी है कोरोना में। इस प्रदेश ने मुख्यमंत्री को ये कहते हुए देखा कि अगर ऑक्सीजन मांगा तो एनएसए लग जाएगी डॉक्टरों को। इस प्रदेश ने आंगनवाड़ी और आशा बहुओं को पैरों से कुचलते हुए देखा है। इस प्रदेश ने हाथरस, उन्नाव और लखीमपुर में चीरहरण देखा है, और सरकार की चुप्पी और आंखों पे पट्टी बंधे देखा है। ये जनता आपको सबक सिखाएगी, थोड़ा इंतजार करिए। सुप्रिया जी ने महंगाई बेरोजगारी की बात कही तो राजस्थान के बेरोजगार युवक लखनऊ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आकर उन्होंने राजीव गांधी जी की प्रतिमा के सामने आके अनशन किया था कि साहब हमें दे दीजिए। चलिए उस पर आरोप लगा लेंगे वो ऐसे थे वैसे थे, परंतु कथनी करनी में क्या अंतर है कि राजस्थान में सवा 3 साल हो गए बेरोजगारों को, कहा गया था 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं मिला है। सुधांशु जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान गहलोत जी में और योगी जी में ये अंतर है कि जब बेरोजगार उनके सामने जाता है तो वो उनको बिठाकर बात करते हैं और उनकी समस्या सुनते हैं, उन पर लाठियां नहीं बरसाते, उन पर एनएसए नहीं लगाते, उनको ट्विटर पर यह धमकी नहीं देते कि अगर प्रदर्शन किया तो प्रॉपर्टी जब्त कर लूंगा। ये अंतर है, ये अंतर याद रखा करिए बोलते वक्त। आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, आप तो राजनीतिक जीवन में और लंबे समय से है, मन कचोटता है, आत्मा झकझोरती है अजय मिश्र टेनी को जब आप अमित शाह जी के बगल में देखते हैं स्टेज पर, जिसके लड़के ने लखीमपुर का नरसंहार किया? राजनीति में एक और एक लाइन चलती है, सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन। यहाँ तो सीजर की वाइफ तो छोड़ दीजिए, पिता गृह राज्य मंत्री बने हुए, और आप किसानों के खैर ख्वाह बनिएगा, उन किसानों के जिनको 6,000 रुपए का झुंझुना पकड़ाते हैं और 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर खेती का दाम बढ़ा दिया है, डीजल का दाम बढ़ाकर, कीटनाशक का दाम बढ़ाकर, खाद का दाम बढ़ाकर, ललितपुर में लाइन में खड़े हुए खाद के लिए किसानों की मौत हो जाती है। प्रधानमंत्री से कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर जब आकर कहता है 700 किसानों की शहादत हो गई तो प्रधानमंत्री कहते हैं मैनू की, मेरे लिए थोड़ी मरे, और एक भी खंडन प्रधानमंत्री कार्यालय से या गृह मंत्रालय से नहीं आता है। इसलिए नहीं, बीजेपी के हर विधायक अपने क्षेत्र में भी नहीं जा पा रहा है लोगों से वोट मांगने के लिए, इसलिए सारे नेता कोरोना को दोष देते हुए ये तक कह रहा है कि प्रचार डिजिटली होना चाहिए। आपने एक बात बोली कि राहुल जी वायनाड चले गए, मैं चैलेंज देती हूँ नरेंद्र मोदी जी को, और बहुत छोटी हूँ उनसे उम्र में और एक्सपीरियंस में, लेकिन क्योंकि राष्ट्र प्रवक्ता हूँ एक चैलेंज देती हूँ, दो चीजें कर दे मोदी जी। मोदी जी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस बिना स्क्रिप्ट के कर दे, मैं मान जाऊंगी, और दूसरी महाराष्ट्र के नीचे जाकर किसी भी स्टेट से चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा ले, मैं मान जाऊंगी। मैं आपको एक चीज बता सकती हूँ, 5 राज्य चुनाव में जा रहे हैं, 5ों में भाजपा का सूपड़ा साफ होने वाला है, और ये जो भ्रमित करने वाली बातें इसीलिए करी जा रही है, जो टेलीप्रॉम्प्टर फेल हुआ जा रहा है, जो पढ़ाओ का पटाओ बनता जा रहा है, वो बौखलाहट दिखाता है प्रधानमंत्री जी की, उनकी टीम की। देखिएगा आगे आगे होता है क्या। सुधांशु जी जवाब दीजिए, जब दुरुपयोग होते हैं डीएम के नाम पर, आपने भीड़ तो इकट्ठा कर ली, भीड़ आपको सुनने भी नहीं आना चाहती थी, ये सभी केरल प्रदेश की।